जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे पीछे ये स्टील का प्लांट रखा हुआ है। ये प्लांट हमारा 1000 लीटर का है। इसकी ब्रांडिंग देख के आप समझ ही गए होंगे कि ये एक्वा फिल्टर कंपनी का है। मशीनें हम बनाते हैं, लेकिन इसमें कुछ हमने यूनिक किया हुआ है। आमतौर पे ये जो फिल्टर होता है, ये हम लोग दूसरी क्वालिटी के देते हैं, इसमें हमने दूसरी क्वालिटी का दिया हुआ है। पंप्स हमने इसमें लूबी के लगा रखे हैं। इसमें वेसल्स जो हैं, ये फुल स्टेनलेस स्टील के हैं, क्योंकि ये पूरा प्लांट ही हमारा स्टील का। ये प्लांट हमारा फुल स्टील का है, 1000 लीटर का है, यानी कि एक घंटे में 1000 लीटर आपको वाटर प्यूरीफाई करके देगा। अब इसके बारे में मैं आपको सारी टेक्निकल डिटेल्स दूंगा, सारी चीज़ें बताऊंगा कि कितनी कैपेसिटी होती है और इसका प्यूरिफिकेशन लेवल क्या होता है, पानी का टेस्ट इसका कैसा होता है। तो एक एक करके सारी चीज़ें बताऊंगा, प्राइस बताऊंगा, डायमेंशन बताऊंगा, वेट बताऊंगा, फिल्टर्स कितने दिन में चेंज कराने हैं, सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसके रॉ वाटर पंप से, क्योंकि पानी इनलेट वाटर जो टैंक से लेता है आर ओ प्लांट, वो सबसे पहले रॉ वाटर पंप में आता है हमारे। ये हमारा इसका रॉ वाटर पंप है, जो कि किर्लोस्कर कंपनी का हमने लगाया हुआ है। कस्टमर की डिमांड थी तो हम लोग किर्लोस्कर और उषा मेनली यूज़ करते हैं। ये पानी हमारा फिर उसके बाद जाता है पहले सिलेंडर में। पहला सिलेंडर हमारा SS का है। मॉडल है इसका 1354। 1354 इसका साइज होता है। 304 स्टील ग्रेड का है। मल्टीपोर्ट इसमें हमने इनिशिएटिव कंपनी का लगाया हुआ है। इसमें हम लोग सेडिमेंट फिल्टर डालते हैं, सैंड होते हैं, कहें तो पत्थर के कंकड़ के टुकड़े आप सफ़ेद सफ़ेद देखते होंगे, सेम वही ग्रेन्युल्स होते हैं, वो डाले जाते हैं सेडिमेंटेशन प्रोसेस के लिए। और सेम हमारा उसके ठीक बाद आ जाता है कार्बन फिल्टर। कार्बन फिल्टर हमारा होता है सेम साइज़ का होता है, सारे फीचर सेम होते हैं, बस ये एक्टिवेटेड कार्बन इसमें पड़े होते हैं जो कि पानी की अशुद्धियों को सोख लेते हैं। आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा केमिस्ट्री में। इसमें हमने इनिशिएटिव के मल्टीपोर्ट्स लगा रखे हैं, दोनों में सेम मल्टीपोर्ट्स हैं हमारे। उसके बाद हमारी वाटर लाइन आगे बढ़ती है, ये हमारे जंबो हाउसिंग फिल्टर में जाती है। इसमें हमारा कार्ट्रिज फिल्टर पड़ता है, जो कि वाइट कलर का होता है, पानी की इम्प्योरिटी को फिल्टर करने के लिए होता है, ताकि हमारी प्रोसेसिंग में जरा सी भी मिट्टी की एक भी कण ना बचे। यहाँ से बढ़ने के बाद आप देख सकते हैं, ये हमने लगाए हुए हैं वॉल्व्स। ये वॉल्व हम ना लगाते तो भी काम चल जाता, लेकिन कस्टमर को फैसिलिटी को देखते हुए हम लोग इनको लगाते हैं। इसको हमने लगाया हुआ है, जैसे यहाँ से हम बंद करके इसको ऑन करेंगे और इसमें हम एक रबड़ अटैच करके अपना साइट्रिक एसिड में डाल देंगे, तो मेरी मेम्ब्रेन हम वॉश कर सकते हैं, जो कि इंजीनियर का खर्चा हमारा बच जाता है इसको लगा देने से। तो ये मान लीजिए कि हमारा मन है कि पानी का टेस्ट सही नहीं है और हम मेम्ब्रेन वॉश करना चाहते हैं, तो हम खुद ही अपने सेल्फ उससे कर सकते हैं। ये हमारा हाई प्रेशर पंप है, जो कि 218 मॉडल है, लूबी का हमने लगाया हुआ है। लूबी CRI शक्ति और किर्लोस्कर CG, जो कस्टमर रेफरेंस करता है मैं उसका लगा देता हूँ। अगर कोई हमसे पूछता है कि आप कौन सी प्रेफर कर रहे हैं, तो हम लूबी की लगाते हैं, क्योंकि हमको लूबी में सर्विस अच्छी मिल जाती है। तो आप इधर देखिए, लूबी का हमने इसमें 218 मॉडल लगा रखा है। अब साथ ही इसके हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो आप देखेंगे इसके आगे वाटर लाइन बढ़ गई मेरी, ये आगे जा करके ये मेम्ब्रेन हाउसिंग में चली जाती है। वाटर लाइन हमारी आ गई, ठीक है, और यहाँ से हमारा दो मेम्ब्रेन हाउसिंग का अटैचमेंट हो जाता है। एक मेम्ब्रेन हाउसिंग में 40-40 की दो मेम्ब्रेन हम डालते हैं, यानी कि चार मेम्ब्रेन हमारी मिल करके 1000 लीटर प्यूरीफाई करते हैं। एक मेम्ब्रेन यानी कि मतलब 250 लीटर हमारा प्यूरीफाई करती है। साथ ही आप देख सकते हैं, ये सारे, ये हमारा प्योर वाटर का वाल्व है, ये हमारा वेस्ट वाटर का वाल्व है। इसमें हमारा वेस्ट वाटर निकल जाएगा और इसमें हमारा प्योर वाटर निकल जाएगा। इसके साथ ही हम आपको बताएं, यहां से हमारा आ गया, ये हमारा वेस्ट वाटर का कंट्रोलर है, जो कि हमने इसमें भी SS का वाल्व लगाया हुआ है। ये हम एक एक चीज इस वजह से आपको दिखा रहे हैं, ताकि आप मेरे प्रोडक्ट की क्वालिटी देखिए, कहीं पे भी हम लोग कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। 304 ग्रेड का हर जगह आपको स्टील मिलेगा, स्टील की क्वालिटी देखने को मिलेगी, फिनिशिंग अच्छी मिलेगी। स्टील का प्लांट बता करके लोहा लंगड़ नहीं बेचते हैं, स्टील बताया है स्टील ही देंगे। आप देख सकते हैं पूरी फिनिशिंग हमारी स्टील की है। 304 304 304 शाइन आप देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि मटेरियल की क्वालिटी क्या है। इसके बाद में हमारा ये, हमने आपको पूरा फिल्ट्रेशन का प्रोसेस समझा दिया। अब आइए हम आपको दिखाते हैं कि हमारा फिल्टर वाटर प्योर वाटर दिखाता कहाँ पे है। जैसे मैंने आपको 1000 लीटर का बता तो दिया, लेकिन 1000 लीटर आ रहा है ये मुझे कैसे पता चलेगा? तो आइए मैं आपको पैनल पे दिखाता हूँ। तो इसमें मेरे दो फ्लो मीटर लगे हुए हैं, ये मेरा प्योर वाटर का दिखाता है, 600 1200 1800 2400 3000 3600, यानी कि 3600 लीटर अगर पानी देगा तो ये प्लांट का फ्लो मीटर मेरा ये कवर कर लेगा।
मेरा क्योंकि 1000 लीटर का प्लांट है तो ये 1200 से कुछ नीचे या 1200 तक की मेरा प्योर वाटर का रहेगा, क्योंकि हमारे प्लांट है 1200 लीटर के ऊपर ही निकालते हैं। अब रही वेस्ट वाटर की बात, तो मेरा वेस्ट वाटर भी कुछ 1200 या 1500 के आसपास ये दिखाएगा। अब इन दोनों घड़ियों के बारे में अगर आप सोच रहे हैं कि ये क्या दिखाती है, तो ये हमारे प्रेशर का, मेम्ब्रेन का प्रेशर बताती है, और एक हमारे पंप का प्रेशर बताती है कि पंप का प्रेशर सही है कि नहीं। मेनली ये टेक्निकल पर्सन को देखने के काम आता है, जैसे इंजीनियर ने देखा कि पंप का प्रेशर कम है और या मेम्ब्रेन प्रेशर ज़्यादा ले रही थी, वो बता देगा कि आपका जो है मेम्ब्रेन ख़राब हो गया है इस तरीके से। तो टेक्निकल डिटेल्स को मैंने आपको सारी दे दी 1000 लीटर के स्टील आरओ प्लांट की। अब इसके हम प्राइस की बात करें तो हमारा 1000 लीटर का स्टेनलेस स्टील का आरओ प्लांट 2,60,000 रुपये का पड़ता है, जो कि सेम कॉन्फ़िगरेशन मैंने आपको दी हुई है। इससे सस्ता चाहते हैं तो 2,40,000 का भी आपको हमारा प्लांट मिल जाएगा। क्वालिटी थोड़ी सी लो हो जाएगी। अब क्वालिटी में क्या लो होगी ये भी मैं बता देता हूँ। पंप हम थोड़ा इसमें लो क्वालिटी का डाल देंगे, मेम्ब्रेन जो हम लोग इम्पोर्टेड डालते हैं वो थोड़ी लो क्वालिटी की डाल देंगे, तो इस तरीके से हम लोग कॉस्ट कटिंग कर लेते हैं। लेकिन मेरा सजेशन रहता है कि प्लांट एक बार लगाना है और पानी आपको रेगुलर बेचना है, क्योंकि आपका पानी जो है वो प्लांट की क्वालिटी से, यानी कि पानी की क्वालिटी से ही बिकेगा। जब प्लांट की क्वालिटी सही होगी तभी अच्छा पानी आएगा, प्लांट की क्वालिटी खराब हुई तो पानी खराब आएगा। हमने आपको प्लांट के प्राइस के बारे में बता दिया, फिल्ट्रेशन की कैपेसिटी के बारे में बता दिया, टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस बता दिया। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर आप चाहते हैं कि आपके हिसाब से ये मेम्ब्रेन होनी चाहिए या आपके हिसाब से पंप होने चाहिए या आपके हिसाब से फिल्ट्रेशन होनी चाहिए, कुछ भी आप अपने हिसाब से मॉडिफाई कराना चाहते हैं, हम उसमें 100% कर देंगे। क्योंकि आप देखिए इस प्लांट में जैसे कि यूवी नहीं लगा हुआ है, अब पीछे हमारे 1-2000 लीटर का प्लांट रखा हुआ है उसमें यूवी मेरा लगा हुआ है, इसमें डोजिंग पंप नहीं लगा हुआ है, तो डोजिंग पंप के लिए ऊपर प्लेट बनी है, इसमें डोजिंग पंप हम फिट करके देंगे, प्लांट के साथ में डोजिंग पंप आता है। तो आप अपने हिसाब से कुछ भी मॉडिफाई कराना चाहते हैं तो हम 100% उसको मॉडिफाई करके देंगे। आप ये ना सोचिएगा कि मैंने ये प्लांट बता दिया तो सिर्फ यही वैरायटी है मेरे पास, हर क्वालिटी का माल हम आपको प्रोवाइड करेंगे। तो आपको बताएं इस प्लांट का डायमेंशन की बात करें तो हमारे प्लांट की चौड़ाई जो है ये 4 फीट है, लंबाई जो है इसकी 11 फीट है, मतलब 11x4 का मेरा प्लांट है। हाइट की बात करें तो मेरी 6 फीट है, लगभग इसकी 6.5 फीट हाइट आप कैलकुलेट कर सकते हैं। टोटल प्लांट के वेट की हम बात करें तो वेट इसका लगभग आ जाता है 500 से 600 kg, इंक्लूडिंग ऑल केमिकल मेम्ब्रेन फिल्टर एक्सेट्रा सारी चीज़। इस प्लांट को हम पूरा डी असेंबल करके ऑल ओवर इंडिया भेजते हैं, ट्रांसपोर्ट के थ्रू ऑल ओवर इंडिया मेरा माल जाता है। हमारा ऑफिस जो है वो ट्रांसपोर्ट नगर लखनऊ मानसरोवर कॉलोनी में है, आप कभी भी आकर के प्लांट देख सकते हैं, क्वालिटी चेक कर सकते हैं कि हम लोग प्रोडक्ट कैसा बनाते हैं। आप एक बार क्वालिटी देखेंगे, हमारी चीज़ को देखेंगे तो आपको चीज़ समझ में आएगी कि हमें ऐसा प्लांट लेना चाहिए। यूजुअली लोग सोचते हैं कि प्लांट लगा लो और पानी बेचो, लेकिन प्लांट की क्वालिटी अगर आपकी अच्छी है तो ही आपका पानी बिकेगा, अन्यथा आप उस पर ज़्यादा फोकस ना करें। ख़राब चीज़ लगाना चाहते हैं तो पैसा क्विट करके आप अपने सेविंग अकाउंट में रखें, उसका EMI इंटरेस्ट खाएं। इस प्लांट के हम पावर कंजप्शन की बात करें तो ये प्लांट हमारा 1000 लीटर वाला जो पावर कंजप्शन लेता है, इसमें मेरी 4 HP की होती है, यानी कि 2 से 2.5 kW का मेरा पावर कंजप्शन 1000 लीटर के स्टील प्लांट का है। और आप सादा पानी बेचना चाहते हैं तो आप प्लांट से बेच सकते हैं, अगर आप ठंडा पानी बेचना चाहते हैं तो आपको 2 टन का चिलर लगाना पड़ेगा। 2 टन का ऑनलाइन चिलर भी मेरे पास अवेलेबल है, जो कि आपको 90,000, 95,000, 1 लाख के अराउंड पड़ता है, रेट कभी कभी फ्लक्चुएट होते रहते हैं। इसके साथ में आप पाउच पैकिंग मशीन अटैच करना चाहते हैं तो वो भी हमारे पास अवेलेबल है, 1,30,000, 1,35,000, 1,40,000 में, क्वालिटी वाइज वेरी करती है, वो भी मेरे पास अवेलेबल हो जाता है। यानी कि हम फुल पैकेज आपको दे सकते हैं बहुत अच्छे रेट में। और इस प्लांट की बहुत अच्छी चीज़ बताएं, ये आपका ISI प्लांट है, इस प्लांट की आप लाइसेंस बनवा सकते हैं, FRP प्लांट है तो आप लाइसेंस नहीं बनवा पाएंगे, उसमें काफ़ी मुश्किलें आती हैं। छोटे शहरों में तो ग्रांट हो जाता है परमिशन, लेकिन बड़े शहरों में प्रॉब्लम आ जाती है। इसमें आप ISI भी करा सकते हैं, FSI भी करा सकते हैं। सारी चीज़ें मैंने कवर कर ली। अब आपको मैं लास्ट में एक चीज़ बता दूं कि अगर आप हमसे कहते हैं कि आप हमें माल भेज दीजिए और मैं अपने शहर में आने के बाद में आपको पैसा दे दूंगा, तो ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है सर, आपको पूरा पेमेंट करके ही माल ले जाना होगा। अगर आप क्रेडिट कार्ड से खरीदना चाहते हैं तो आप EMI पे ले सकते हैं, EMI आपकी क्रेडिट कार्ड से एडजस्ट हो जाएगी, आप क्रेडिट कार्ड से ये माल परचेज कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी, कहीं गलती हुई हो तो मुझे माफ़ करिएगा, और आप आइए माल देखिए, क्वालिटी देखिए, अगर पसंद आता है तो खरीद भी लीजिए। कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।